हमीरपुर की महिलाओं के लिए बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है कि कोरोना महामारी के चलते महिलाओं के सशक्तिकरण व उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कार्यरत अभिनव कलाकार कल्याण संघ ने जूम ऐप पर ऑनलाइन आईवा मिसेज इंडिया तथा क्वारंटाइन क्वीन 2020 प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश की पूर्णिमा जम्बाल ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत के हर हिस्से से लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न चुनौतियों से गुजरकर 20 प्रतिभागियों ने फाइनलिस्ट में जगह बनाई है, जिसमें पूर्णिमा जम्बाल भी शामिल है। आपको बता दें कि पूर्णिमा जम्बाल पेशे से साइंस की अध्यापिका हैं और राजकीय उच्च पाठशाला डुग्गा में कार्यरत हैं। पूर्णिमा जम्बाल मिसेस इंडिया क्वारंटीन क्वीन की प्रतियोगिता में टॉप 10 में चौथा स्थान हासिल करके थर्ड रनर अप रही हैं और मिसेस इंडिया के फाइनल राउंड में उन्हें वुमन ऑफ सब्सटेंस के टाइटल के साथ ताज से नवाजा गया, जिसे पूरी दुनिया में फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाया गया। पूर्णिमा जम्बाल ने कहा कि आईवा एनजीओ के माध्यम से पहले प्रतिभागी के तौर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मिसेज इंडिया के फाइनल राउंड में उन्हें वुमेन ऑफ सब्सटेंस के टाइटल के साथ ताज से नवाजा गया, जिस पर उन्होंने खुशी जताई है। मैं पूर्णिमा कुमारी हूँ, हिमाचल हमीरपुर से, और मैं हिमाचल से एक ही कॉन्टेस्टेंट थी। और आईवा जो है ये एक एनजीओ है जो हमें एक प्लेटफॉर्म देती है अपने टैलेंट को आप सभी के सामने लाने का। आईवा है एक इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र में, जिसके डायरेक्टर हैं मिसेस दलजीत कौर जी, और इसके जो हेल्प करते हैं उनकी वो है अमर सिने प्रोडक्शन। तो ये एक लाइव फर्स्ट वर्चुअल प्रेजेंट था पूरे वर्ल्ड में मिसेस इंडिया और क्वारंटाइन क्वीन 2020, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इसमें पूरे देश से, पूरे भारत देश के विभिन्न हिस्सों से 600 एंट्रीज जो हैं वो सामने आई, और उनमें से केवल 20 फाइनलिस्ट जो हैं चुनी गई, जिसमें से हिमाचल में सिर्फ मैं ही यहाँ को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये जो कंपटीशन है ये 20 जुलाई से 2 अगस्त तक चला, जिसमें हमारी ग्रूमिंग क्लासेस भी हुई, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग में बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, योगा एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट, और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी आए, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो इन सब से हमारी ग्रूमिंग हुई और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमें कितनी तरह अच्छी तरह से ग्रूम किया, हमारे बोलने में जो हमारे में कॉन्फिडेंस था उसको लेके आए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था कि हम अपने आप को यहाँ जो है अपनी टैलेंट को उभार के आप सभी के सामने लेके आई। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पूरे हिमाचल वासियों ने, वोटर्स ने मुझे क्वारंटाइन क्वीन जो सिर्फ एक बार ही होना था लॉकडाउन की वजह से, उसमें मुझे फोर्थ पोजीशन मिली है, यानी कि मैं थर्ड रनर अप रही हूँ। और मुझे मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मुझे वोट किया, मेरे फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा मैं अपना धन्यवाद करती हूँ अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, अपनी बेटी का। जो भी टास्क होते थे उसकी 3 या 4 मिनट की वीडियो हमें बनानी होती थी, तो उसमें मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने पूरा साथ दिया, सहयोग दिया। इन टास्क के द्वारा हमने अवेयर किया लोगों को, जैसे कि COVID-19, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, जो वुमेन में होती हैं प्रॉब्लम, जिनकी वजह से बहुत सारी जो मृत्यु दर है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, उन पर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी। मैंने हिमाचली कल्चर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की जो मेन डिश है पतोड़े, उन पर कुकिंग टास्क दिया, और मैंने हिमाचली नाटी और टैलेंट राउंड में जो हिमाचली डांस था उसको रिप्रेजेंट किया। जो हमारा फाइनल राउंड था 2 अगस्त को, उसमें एक ट्रेडिशनल राउंड होता है, उसमें मैंने हिमाचल की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है रोडू की वो पहनी हुई थी, साथ में मैंने उसमें मिक्स किया किन्नौरी टोपी, तो सारा मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया। और मुझे खुशी होती है और गर्व भी होता है कि मैंने आईवा मिसेस इंडिया 2020 में पार्टिसिपेट किया और अपने आप को प्रूव किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ दलजीत कौर मैम का, भूमिचंद सर जो हमारे
ट्रेनी थे सिल्विया एडेफ्रो मैम, जो क्वीन भी रही हैं आईवा मिसेस इंडिया में, और सभी ज्यूरी मेंबर्स का और सभी जजेस का, कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो इवेल्यूएशन की, और मुझे एंड में फिनाले वाले दिन मिसेस इंडिया में टॉप 10 में मुझे टाइटल मिला है वोमेन ऑफ सबस्टांस, जो कि बहुत बड़ा टाइटल होता है एक वोमेन के लिए, एक वोमेन विद लव पेशेंस एंड ऑल द क्वालिटीज दे वांट। पूर्णिमा जम्बाल ने बताया कि जिन महिलाओं और लड़कियों में कुछ कर गुजरने की इच्छा और प्रतिभा है तो वे इस आईवा मंच के माध्यम से निखार सकती हैं। इसके बाद जो हमारा ये लास्ट टास्क था कि अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप नहीं जीतते हैं तो आप आगे अपनी लाइफ में कैसे कंटिन्यू करेंगे, और मुझे यही क्वेश्चन जो है फाइनल जो राउंड हुआ था क्वेश्चन राउंड उसी में मिला था। तो मैंने अपना जो मेरा लक्ष्य है वो यही है कि मैं आगे सोशल अवेयरनेस जो लेडीज़ के रिगार्डिंग इश्यूज होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इनको लेके मैं अपने सभी सोसाइटी मेंबर्स, अपनी वुमेन्स को जो है आगे अवेयर करना चाहूँगी। और मैं पहले से ही एनवायरनमेंट से जुड़ी हूँ, स्कूल के थ्रू, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू मैंने अपने स्कूल में बहुत सारी प्लांटेशन में हेल्प की है, बच्चों को अवेयर किया है डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, और हमारे स्कूल को गवर्नमेंट हाई स्कूल टुगा को 3 साल से ग्रीन स्कूल अवार्ड भी मिला है। इस साल उसे यहाँ स्कूल को वेस्ट मैनेजमेंट लैंड कैटेगरी में नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। तो ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, और अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मैंने इनोवेटिव तरीके से आगे लेके जाना है। जो कॉन्फिडेंस आप मेरे में देख रहे हैं मेरी बात करने में, वो मुझे आईवा ने ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें सीख के ही मैं आगे जाऊँगी, और अपना जो एक और टारगेट है और आगे एक और मुझे अवार्ड मिला इसी आईवा के बाद कॉम्पिटिशन के बाद 2 अगस्त को, जिसका नाम है इंडिया इंस्पिरेशनल वोमेन अवार्ड 2020, जो 23 अगस्त को वर्चुअल हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि हमीरपुर में जो है वो पहली बार किसी वोमेन को मिल रहा है, तो ये भी मेरे लिए गर्व की बात है। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आईवा, चाहे मैं विनर हूँ चाहे नहीं, लेकिन हम सभी जो हैं क्वीन हैं, ये क्वीन का जो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो मैं निभाऊंगी पूरी मेहनत के साथ। मैं अपने सभी लोगों को COVID-19 और जितने भी सोशल इशू हैं वुमेन से रिलेटेड, उनके लिए मैं काम करूंगी। तो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन दी, क्योंकि ये इसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि मेरे जो फादर थे वो एक टीचर थे, तो शायद इस वजह से मैं जो हूँ शिक्षित हो पाई और आगे मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई हूँ। मैं एक विज्ञान अध्यापिका हूँ, तो इसी तरह मैं सभी पेरेंट्स से, सभी सोसाइटी मेंबर्स से ये चाहती हूँ कि गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अपने समाज का जो है उत्थान करना है, उसके वेलफेयर के लिए हमें एजुकेशन ज़रूरी है, वुमेन एजुकेशन ज़रूरी है, तभी वो सशक्त होंगी। और यही मेरा मोटो रहेगा कि जो वुमेन एजुकेशन है उस पर एम्फेसाइज करें, क्योंकि अगर एक नारी शिक्षित है तो वो पूरे परिवार को और पूरे समाज को शिक्षित कर सकती हैं। तो हमारी जो सोच है उससे निकल के, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत आई, एक माहौल बना होता है कि नहीं ये लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, फैशन में नहीं जा सकती हैं, वो आगे किसी ऐसे टैलेंट शो में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, एकदम से नहीं होंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो आप सभी सहयोग दें अपनी बेटियों को, अगर वो पढ़ना चाहती हैं, रिसर्च में जाना चाहती हैं, तो उनको ज़रूर भेजें। ये नहीं है कि जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो उनकी शादी कर दी और उन्हें अगले घर भेज दिया, नहीं, उन्हें पहले सशक्त बनाइए, उन्हें ये सिखाइए कि आपने अपने आप को कैसे प्रूव करना है। मुख्य अध्यापक मनोज परिहार ने कहा कि वे पूर्णिमा जम्बाल को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा जम्बाल इको क्लब स्कूल के सौंदर्यीकरण और बच्चों को निखारने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा जम्बाल ने पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किए हैं। पहले तो मैं मैडम पूर्णिमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने ये जो आईवा अवार्ड है
ये हिमाचल से पहली ऐसी वर्किंग वुमेन है जिनको ये हासिल हुआ है। वैसे तो ये नेशनल बेसिस पर ये पुरस्कार है और ये रनर अप रही है, तो इन सारी उपलब्धियों के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, बधाई भी। और रही बात, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल डुग्गा में कार्यरत हैं विज्ञान अध्यापक के तौर पर, इनकी हमारे इको क्लब में या हमारे स्कूल के ब्यूटिफिकेशन में या बच्चों को और ज्यादा ग्रूम करने के लिए इनके बहुत ज्यादा प्रयास रहते हैं। इन्होंने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है और इनको पहले भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जो है हासिल हो चुके हैं, तो इनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही ये आगे काम करते रहें जिससे हमारे स्कूलों को फायदा होता है, हमारे बच्चों को फायदा होता है और अल्टीमेटली समाज को फायदा होता है।